है आलू और प्याज पूरा खाओ एक बार में। आप तो खाओ। हम खाएंगे चूरा मटर वाला। चुकी है अपनी फ्रेंडों से बातें करके। तो आप देख सकते हैं हमारे बैग में है पानी की बोतल। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब लोग जो है नहा धो लिए हैं, मैं भी नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। पूजा मैंने कर ली है, अब मैं आ गई हूँ किचन में करने के लिए नाश्ते की तैयारी। तो सबसे पहले किचन में थोड़ा सा मेट लूंगी मैं, क्योंकि यहाँ पे धुले हुए बर्तन रखे उनको लगा देती हूँ। और आज मैं बनाऊंगी मटर वाला चिड़वा, और सोच रही हूँ कि मूली के पराठे भी बना लूंगी आज, क्योंकि मूली रखी हुई थी। एक खराब होने से अच्छा है कि पराठे बन जाए। वैसे घर में किसी को पसंद नहीं है मूली के पराठे, बट फिर भी खा लेंगे एक एक पराठा। तो चलिए लगती हूँ मैं काम पे, आप भी वीडियो में बने रहिएगा। सो दोस्तों, फाइनली जो है रात के जितने भी धुले हुए बर्तन थे उनको उनकी जगह पे रखने के बाद जो है पूरी स्लिप गैस जो है सारी मैंने अच्छे से साफ़ कर दी थी। अब मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में बनेंगे मूली के पराठे, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया ही था। तो यहाँ पर मूली को धो के छील लिया था, और अच्छे से कद्दूकस में घिसने के बाद जो है मूली में जो है ना बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो सारा का सारा मूली का पानी अच्छे से निकाल दिया था, निचोड़ दिया था। सिर्फ मैं ना सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ मूली के पराठे। इसमें जो है ना मैं सिर्फ इसमें डालूंगी हरी मिर्च, एक हरी मिर्च लिए, क्योंकि मूली जो है वो ज़्यादा नहीं है। और थोड़ा सा जो धनिया लिया है, धनिया को अच्छे से मैंने छांट लिया था, जो ख़राब था उसको अलग कर दिया था। फिर धनिया को धोने के बाद जो है मिर्ची और धनिया को जो है मूली के साथ मैंने काट के अलग कर दिया था। अब बारी आती है आटे को गूंथने की। तो यहाँ पर जो है मैंने सारा आटा अच्छे से गूंथ लिया है। उसके बाद जो है ना साथ में मैं बनाऊंगी ये जो चूरा होता है मटर वाला, वो जो मम्मी गांव से लेके आई थी। वैसे तो मैंने इसकी रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर ही दी है, हमने बनाया था एक आध दिन पहले भी बनाया था, बट मेरे हस्बैंड का फिर से मन था खाने का। तो यहाँ पे मैंने वही जो चूरे को अच्छे से साफ़ कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने हरी मिर्च काट ली थी एक, और यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज काट लिया था। अब मैं करूँगी इसको बनाने की तैयारी। तो कढ़ाई में मैंने डाल दिया ऑयल, ऑयल गर्म हो गया है। उसके बाद यहाँ पर मैं डाल दूँगी प्याज और हरी मिर्च, और दूसरी साइड जो है ना मैंने फ्रिज में से संतरे निकाल के रख दिए थे, क्योंकि खाने से ना दो तीन घंटे पहले ही मैं निकाल के रख देती हूँ, ताकि तबीयत ख़राब ना हो जाए अगर हम ठंडे ठंडे संतरे खाते हैं। तो वो मैंने अलग कर दिए थे। जब हमारी प्याज और हरी मिर्च अच्छे से थोड़ी बहुत फ्राई हो जाती है, उस पर हम मटर डाल देते हैं। मटर के साथ हम ये चूरा डाल देंगे, और इनको अच्छे से हमें मिक्स करते रहना है। आपको हाई फ्लेम पे इसको मिक्स करते रहना है, मिलाते रहना है, ताकि अच्छे से पक जाए। तो दोस्तों देखा आपने, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मटर वाला छिड़वा रेडी हो रहा है, और यहाँ पे हमारी चाय रेडी हो रही है। चाय रेडी हो जाएगी, उसके बाद में बनाऊंगे पराठे मूली वाले। और मम्मी ने जो है जो आज सब्जी बनने वाली है लंच में वो भी काट दी है। आज बनेंगे फली आलू की सब्जी। तो दोस्तों आज बनने वाली है घर में ये वाली फली आलू की सब्जी। फली आलू की मम्मी ने सब्जी काट के अलग कर दी थी, तो उसको धो कर के मैंने अलग कर दिया था। उसके बाद जो है ना कल मैं लेके आई थी मार्केट से जा कर के ये बथुआ, तो मम्मी ने कहा मैं काम करती हूँ, बथुए को सारा साफ़ कर देती हूँ और इसको मैं काट के रख देती हूँ। अब ये जो बथुआ है ना, इसके या तो हम बनाएंगे बथुए के पराठे, या फिर मैं बनाऊँगी इसकी मैं बथुए का रायता। बथुए का रायता जो है ना हमारे घर में सबको अच्छा लगता है, अगर बनाऊंगी तो रेसिपी ज़रूर मैं शेयर करूंगी। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैंने इसके मूली के जो पराठे बना रही हूँ, इसमें क्या होता है ना, सिर्फ मैं मसाले में डालूंगी नमक और मिर्च, बट मैंने मिर्च डालने के बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। और जो है नमक मैं अभी नहीं डालूंगी, इतने नमक बाद में डालूंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा चूरा भी जो है अच्छे से तैयार होने वाला है। दो चार मिनट इसको और ऐसे ही भूनूंगी हाई फ्लेम पे, तो हमारा चूरा बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक लोई ले ली, छोटी सी उसकी रोटी बना ली है, उस पर डाल दिया नमक। नमक डालने के बाद जो उस पर मैंने डाल दिया मूली की जो स्टफिंग थी, और उसको अच्छे से मैंने बेल करके उसको तवे पर भी डाल दिया है। अब इसको जो है अच्छे से सेक लूँगी, और दूसरी साइड जो है ना मैं मम्मी और बच्ची के लिए जो है चूरा निकाल के लेके जा रही हूँ, क्योंकि चाय बन चुकी थी। तो मैंने कहा क्यों ना पहले चाय के साथ गर्म गर्म ये चूरा खाया जाए, क्योंकि ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है गर्म गर्म। उसके बाद जो है सबको पराठे दे दिए थे, अब मैं भी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। जो आप देख रहे हैं ना, ये गुड़ है बिना मसाले का, और ये गाँव का गुड़ है जो मम्मी लेके आई थी गाँव से। और जब से गुड़ आया ना, ये मैं आज गुड़ खा रही हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। क्योंकि जो मसाले वाला गुड़ होता है ना, उसका मसाला मसाला सा आता है, वो अलग टेस्ट लगता है, बट इसमें मसाला बिल्कुल भी नहीं है।
बहुत ज़्यादा टेस्टी है गुड़। सो दोस्तों फाइनली जो है हम लोगों ने लंच कर लिया है और मम्मी और मैं आ गए हैं पार्क में थोड़ा टहलने के लिए। तो आज आपको भी लेके चलते हैं पार्क घुमाने के लिए, और हम अपने साथ एक बैग भी लेके आए हैं जिसमें हमारा कुछ खाने पीने का सामान है, पानी की बोतल है। तो आप देख सकते हैं पार्क, और ये है मम्मी। मम्मी कैसा लग रहा है पार्क आके? सही लग रहा है। और दोस्तों मम्मी को ना पार्क आना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मम्मी ना घर में बोर हो जाती हैं, तो इसलिए मम्मी मेरे साथ या बच्ची के साथ आ जाती हैं पार्क टहलने के लिए। तो खाना खा लिया है, अब आ गए हम पार्क टहलने के लिए, और आप भी हमारे साथ पार्क इंजॉय कीजिए। तो आप देख सकते हैं हमारे बैग में है पानी की बोतल, और यहाँ पे है मैंने बनाया था सुबह मॉर्निंग में मटर वाला चिड़वा, ये बच गया था तो मैं ये भी ले आई हूँ, और इसमें रखे हैं संतरे। तो अब हम इसको खोलते हैं और इसको हम खाते हैं। मम्मी है वहाँ पे अपनी फ्रेंडों के पास, और यहाँ पे मैं खा रही हूँ चिड़वा मटर वाला। तो दोस्तों हम यहाँ पे खाएंगे ये मटर वाला चिड़वा, चिड़वा ना क्या बोलते, चिड़वा चूरा। ये हम खाएंगे चूरा मटर वाला। यहाँ पे हम लाए हैं मम्मी के लिए संतरे, और मम्मी आ चुकी है अपनी फ्रेंडों से बातें करके तो हम यहाँ पे बैठ के खाएंगे दोनों। चलो खाओ मम्मी चूरा, तुम खाओ ना भैया बोले तू ना। हाँ बगैर हाथ धोए संतरा है, मन ना है भरा। खाओ छील दूँ? हाँ छील दो। गुड़ बड़ा महक रहा है। मम्मी आ रही है खुशबू गुड़ की, कोई किस बना रहा है, कहीं आसपास बन रहा हो कुछ पट्टी वुट्टी? पट्टी बनती कहीं। सो दोस्तों यहाँ पर बैठ करके ना मम्मी और मैं बैठ के खा रही थी संतरे, क्योंकि जो चूरा है ना वो मम्मी को नहीं खाना है, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। डॉक्टर ने कह रखा है उनको ऑयली चीज़ नहीं खानी है ज़्यादा, ना ही उनको चावल खाने हैं, तो इसी वजह से जो है मम्मी चूरा नहीं खा रही थी। तो हमने आज दिन में जो है संतरे नहीं खाए थे, तो मम्मी ने एक काम करते पार्क जा रहे हैं, पार्क लेके चलते हैं संतरे। तो यहाँ पर जो है मम्मी और मैं बैठ के खा रहे थे संतरे, मम्मी जो है संतरे छील रही थी, उनके बीज निकाल करके खुद भी खा रही थी और मुझे भी खिला रही थी। तो हम दोनों जो है घर में बैठ के हो गए थे बोर, तो हमने कहा क्यों ना मम्मी थोड़ी तबीयत भी आपकी ठीक नहीं है, तो एक काम करते घर में रहोगे तो और आपको तबीयत ख़राब जैसा लगेगा, एक काम करते हैं हम थोड़ा टहल के आते हैं। तो मम्मी को पार्क आना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कभी मम्मी मेरे साथ कभी बच्ची के साथ कभी हम तीनों के तीनों पार्क आ ही जाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो मम्मी जो है पार्क में टहल रही हैं घास में नंगे पैर, क्योंकि ना घास बहुत ठंडी ठंडी हो रही है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं भी टहल रही थी पार्क में, और इधर बैठी हैं मम्मी की फ्रेंड्स। देखो मम्मी चली गई अपनी फ्रेंड के पास बैठने के लिए, और मैं खा रही हूँ यहाँ पे चूड़ा, क्योंकि मम्मी और मैं बैठ के खाते संतरे। सो दोस्तों यहाँ पर जो है ना मेरे हस्बैंड जिम से आते हुए लेके आए थे हम सबके लिए गोलगप्पे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे गोलगप्पे नहीं खाए थे किसी ने भी, इसीलिए। तो मैं अभी आया हूँ जिम से, और यहाँ पर इन सबकी रिक्वेस्ट थी कि गोलगप्पे लेते हुए आना, और मैं लाया हूँ गोलगप्पे सबके लिए, और हम सब लोग गोलगप्पे खाएंगे, और आप लोगों को बताना कि गोलगप्पे कैसे हैं, मैं आपको गोलगप्पे दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस सबकी कटोरी में पानी गोलगप्पे का, और ये सब गोलगप्पे हैं, और ये इनके मुंह में इनके मुंह में पानी आ गया है, और ये मम्मी भी खाने को तैयार बैठी गोलगप्पे। अब पहला गोलगप्पा मम्मी खाइए, मैं खाओ गोलगप्पा, खा के बताओ कैसा गोलगप्पा, डुबाओ पानी में पूरा। अरे पूरा खाओ एक बार में आराम से। मम्मी ने खाया गोलगप्पा, मम्मी की शक्ल देखो गाइस, पहले सास ने खाया, बहू खाने जा रही है, गोलगप्पे की शक्ल हो गई है, गोलगप्पे की ऐसे गप्पे की तरह निकल गया है। अच्छा ईशु खाए गोलगप्पा, ईशु गोलगप्पे खाओ, एक गोलगप्पा खा के बताओ कैसा है। ओके सास बहू तुम्हारे लिए गोलगप्पा लाया हूँ मैं, आवाज सुनो गाइस गोलगप्पे की,
पुचर पुचर करके आवाज आती है गोलगप्पे की गाइस। यार तू क्या करवा रहा है? अब ये खाएगी गोलगप्पे, इसके इसके हाथ से गोलगप्पे खाते हुए देखो। गोलगप्पे खाओ, ये देखो गोलगप्पे से बड़ा तो था मुंह है, खाया गोलगप्पा पूरा। तो दोस्तों आप देख सकते हो गोलगप्पा इसमें फिक्स भरा हुआ है, आलू और प्याज बोया मैंने इसमें पानी में, तो भर दिया पानी गोलगप्पे के अंदर, और ये उठाया मैंने गोलगप्पा खाता हूँ। इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड। आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही था, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।